तो ये माउंटेन लेक है बाएं तरफ, और ये आप देख रहे हैं कि हम काफ़ी आगे निकल रहे हैं। ये झील का पानी अभी भी नज़र आ रहा है। तो इतना ये 1.5 किलोमीटर का ये जो फासला है, ये रोड जो है ये नहायत ही टूट फूट का शिकार है। तो ट्रैफिक फंसे होने की वजह से ये ट्रक रुका हुआ है। तो ये ड्राइवर ने हमारे ने गाड़ी इस तरफ की है। तो ये देखें कितना ही खूबसूरत व्यू है। ये वाटरफॉल, वो जो दो पहाड़ों के दरमियान में से ये पानी गिर रहा है, देखें कितना खूबसूरत है। और इस तरफ से देखें तो यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं, और ये जितने भी लकड़ी के यहाँ पे हट्स बने होते हैं, ये खुद ही दरख्त काट के लकड़ी बना के तो वो अपने हाथों से बनाते हैं। मुझे ये छोटे छोटे से ये फूल वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये देखें वाइट कलर, येलो कलर और पर्पल कलर के हैं ये। जी यहाँ पे आ गए, और ये आगे ग्रास में पानी खड़ा है। मैं आगे तक नहीं जा सकता, यहाँ तो सड़क पे घूम के जाऊँ। और ये देखें जी किस तरह पानी आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बाइकर्स भी आए हुए हैं। बाइक आ जाती है, जहाँ 4x4 चलती है वहाँ पे बाइक्स भी आ जाती हैं। तो ये देखें ये बाइकर्स आए हुए हैं। और ये लेक सैफुल्ला, और सामने वो जजीरा है, और उधर ही टेंट लगे हुए हैं ज़्यादातर। ये वाटरफॉल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फराज़ अहमद, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक ट्रैवलर। लाहौर टू स्वात की आज 12वीं किस्त है, एपिसोड नंबर 12। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखी खूबसूरत झील, माउंटेन लेक, और इस टाइम हम उसी रोड पे हैं, और बाएं तरफ मेरे माउंटेन लेक चल रही है। तो यहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर के फासले पे एक खूबसूरत झील और है। तो आज के एपिसोड में मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगा, जिसका नाम है सैफुल्ला लेक, और वो भी बहुत ही खूबसूरत जगह है, और माउंटेन लेक से मिलती जुलती है। तो ये माउंटेन लेक है बाएं तरफ, और ये आप देख रहे हैं कि हम काफ़ी आगे निकल रहे हैं। ये झील का पानी अभी भी नज़र आ रहा है। तो इतना ये 1.5 किलोमीटर का ये जो फासला है, ये रोड जो है ये नहायत ही टूट फूट का शिकार है। तो यहाँ से हम जाएंगे सैफुल्ला लेक, और आपको दिखाऊंगा कि वो नहायत ही पुरसकून जगह है सैफुल्ला लेक। वहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत ही कम जाते हैं। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ सैफुल्ला लेक। तो बाएं तरफ आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत झील, माउंटेन झील चल रही है। तो आपने देखा लास्ट व्लॉग में, एपिसोड नंबर 11 में, माउंटेन झील बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो ये देखें माउंटेन लेक, ये बोट का खूबसूरत मंज़र। और लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हम जो इसमें जजीरा पीछे नज़र आ रहा है वहाँ पे भी गए। तो ये देखिए अभी तक ये चल रही है, और इसका पानी आगे तक है। तो यहाँ से अभी थोड़ी देर का सफ़र है, तो यहाँ से 1 किलो 1.5 किलोमीटर, और ये 1 किलो 1.5 किलोमीटर ही यहाँ से बहुत ही लंबा लग रहा है, सिर्फ ये रोड टूटे होने की वजह से। तो अभी तक जितनी भी ये सीरीज़ थी बहुत ही ज़बरदस्त रही, बहुत इन्जॉय किया। सारी एपिसोड में आपने देखा होगा। तो ये लास्ट हमारा ये पॉइंट है सैफुल्ला लेक। तो यहाँ से हम वापस कलाम की तरफ जाएंगे। तो ये मैं आज की एपिसोड यहाँ पे करूँगा, क्योंकि हम माउंटेन लेक से हमने वापस चले जाना था, लेकिन यहाँ आके पता चला कि यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पे भी एक खूबसूरत लेक है। तो वहाँ पे चलते हैं। तो हमने हामी भर ली, और जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने भी खुद ही कहा कि मैं आपको वहाँ पे भी लेके जाऊँगा। तो वहाँ पे अब जा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि हमें भी पसंद आएगी और आपको भी लेक पसंद आएगी। तो ये देखिए कैंप भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो वैसे
वैसे ये सारी जगह ही कैंपिंग के लिए बड़ी ही बेस्ट है। पानी भी है पास, हर चीज़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैंपिंग भी की जा सकती है। और आने वाले दिनों में ये रोड अच्छा हो जाता है तो और भी मज़े की ये जगह हो जाएगी। तो अभी तक तो खैर पहुंच गए, यहाँ पे 4x4 ही आ सकती है, क्योंकि ये जितनी टूटी फूटी रोड है यहाँ, यहाँ तो इस पे बाइक आ सकती है, यहाँ 4x4 आ सकती है। तो ये देखिए सामने से भी गाड़ी आ गई है। तो अभी हम जा रहे हैं सैफुल्ला, तो अभी काफ़ी टाइम है शाम होने में। तो मैं बता रहा था कि थ्रू आउट जितना भी सवाद का टूर रहा है अभी तक बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। यहाँ के खाने, यहाँ की रहाइश, होटलिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, लोग यहाँ के बड़े ही ज़बरदस्त थे और गाइड करने वाले थे। तो ये जो ट्रांसपोर्ट में हम यहाँ से हमें मिली थी कलाम से ये गाड़ी विद ड्राइवर, तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त रहे हैं और बहुत अच्छे ये ड्राइवर हैं। तो इन्होंने, आपने देखा कि थ्रू आउट जितनी भी पीछे से ये गाड़ी चला गया है तो बड़ी ज़बरदस्त चलाई है और बड़ी सेफ इन्होंने ड्राइव की है। तो अभी भी ये देखें रोड टूटे हुए हैं, तो यहाँ से भी वहाँ तक जाने के लिए कितना मुश्किल सफ़र है। तो बहुत ही मुहतात अंदाज़ में ये ड्राइव करते हैं और पुरसकून है। तो ये आपको सामने एक वाटरफॉल नज़र आ रही है, पहाड़ों के दरमियान में बहुत दूर से नज़र आ रही है। तो ये ड्राइवर भाई ने बताया था एक पहले वाटरफॉल भी आएगी, फिर सैफुल्ला लेक आएगी। तो ये देखें ये वाटरफॉल है और बहुत ही इसका ज़बरदस्त मंज़र है, दो पहाड़ों के दरमियान में है और बिल्कुल ये खुश्क पहाड़ है और पथरीले जो पहाड़ होते हैं ये वो हैं, उनमें से ये पानी गिर रहा है। तो पानी आप वैसे ही बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, वाइट कलर का है इसमें पानी, जो ऐसे कलर में पथरीले पहाड़ों में और ब्राउन कलर के पहाड़ों में से गिरता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। सामने मुझे दरख्त नज़र आ रहे हैं, कहते हैं कि वो सैफुल्ला लेक है वहाँ पे, तो वहाँ पे सैफुल्ला लेक है और बाएं तरफ ये है वाटरफॉल। तो ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरफ से काफ़ी क्लोज़र है। ये देखें ये पानी है और यहाँ पे सिर्फ ये पत्थरों की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है, तो उस वजह से ये देखें ये पानी, देखें ये उधर से ही आ रहा है पानी, लेक से, सैफुल्ला लेक से। तो ये देखें रोड बिल्कुल टूटा हुआ है, जिसकी वजह से ये कैमरा भी बहुत हिल रहा है। ये देखें कितना ही खूबसूरत सामने व्यू है, ये पानी ऐसे रुख बदल रहा है, लेकिन ये रोड ब्लॉक हो गई है ये ट्रक की वजह से। अब देखें कैसे गुजरता है यहाँ से और कैसे गाड़ी यहाँ से गुजरती है। तो ये देखें सामने, ये सामने सैफुल्ला लेक है और ये आगे का पानी है, देखें यही पानी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ से रास्ता मिलेगा तो हम जाएंगे आगे, तो आगे काफ़ी टाइम हो चुका है। तो जाते जाते वापस कलाम रात पड़ जानी है। तो ड्राइवर ने कुछ सोचा है कि नीचे उतरने के लिए, अब देखें कहाँ से निकालता है। ट्रैफिक फंसे होने की वजह से ये ट्रक रुका हुआ है, तो ये ड्राइवर ने हमारे ने गाड़ी इस तरफ की है। तो ये देखें कितना ही खूबसूरत व्यू है, ये वाटरफॉल, वो जो दो पहाड़ों के दरमियान में से ये पानी गिर रहा है, देखें कितना खूबसूरत है। और इस तरफ से देखें यही तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, रोशनी पड़ रही है पानी पे और पानी की लहरें हैं, ये बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। तो ये क्लियर हो गया, ट्रक भी निकल गया है और दूसरी चीज़ें भी, ये देखें अभी यहाँ पे ये रोड बनने जा रहा है। तो अब देखें कितनी देर लगती है इस रोड को। तो ये देखें ये पानी नीचे से गुजर रहा है, ये फट्टे पड़े हुए हैं लकड़ी यहाँ पे रख के, तो
फिर अपना ये रास्ता बनाया गया, छोटा सा पुल बनाया गया, क्योंकि दोनों साइडों पे पानी है। और ये देखें कितने खूबसूरत मैदान ऐसा है, ये राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, दरमियान में ये कच्ची रोड है, लेकिन ये रोड आने वाले वक्त में ठीक हो जाएगी। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ का सीन है, एक जैसे सीनरी पेंटिंग की होती है वैसी ये लग रही है। ये दरख्त हैं एक जैसे, दरमियान में कच्ची रोड है, दाएं बाएं ग्रास है जो ग्रीन कलर की, तो मैदान से हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। तो यहाँ पे भी गीली मिट्टी है, आप देखें यहाँ से कैसे गुजरते हैं। तो यहाँ से 4x4 तो निकल जाती है बड़ी आसानी से। ये सामने आप देख रहे हैं गाड़ियाँ खड़ी हैं और कैंप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे है सैफुल्ला लेक, एक तो नरान में है, सैफुल मलूक है वो, तो ये सैफुल है। अच्छा, ये मैदान में जैसे ये घोड़े या जानवर कोई भी खड़े हो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है मंज़र। ये देखिए ये घोड़े हैं, चारा खा रहे हैं। तो ये हम अंदर वाली साइड पे आ गए हैं, तो यहाँ पे पार्क करेंगे इन गाड़ियों के दरमियान में, तो आपको दिखाऊंगा फिर आगे सैफुल्ला लेक। तो ये अभी यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। तो ये देखें सामने एक हॉर्स है, और यहाँ पे बहुत हॉर्स हैं, और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी है। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं लेक सैफुल्ला पे, तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे और नीचे आके आपको पूरी लेक दिखाते हैं सैफुल्ला की। जैसे ही हम गाड़ी से नीचे आए हैं तो यहाँ पे बड़ी ही तेज़ हवा चल रही है, और नहायत ही ठंडी हवा है। ये देखिए पहाड़ के बिल्कुल नीचे, और धूप पड़ रही है, और कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये चारों तरफ, और पास पास हैं ये पहाड़। तो अभी चलते हैं और देखते हैं सैफुल्ला लेक। तो यहाँ पे भी बोट नज़र आ रही है, तो यहाँ पे भी होंगे ढाबे और टेंट तो लगे हुए हैं। वो सामने यहाँ पे भी एक छोटा सा जजीरा है जैसे माउंटेड लेक में था, तो सामने टेंट नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रहाइश के लिए सिर्फ टेंट ही होंगे, और कैंपिंग के जो शौकीन हैं उनके लिए है ये यहाँ पे रहने के लिए जगह है। तो ये देखें ये कितनी खूबसूरत और पुरसकून ये जगह है, यहाँ पे हवा की भी आवाज़ आ रही है, इतनी पुरसकून जगह है ये। तो मैं जा रहा हूँ ये लेक की तरफ, दूसरी तरफ, यहाँ पे इस तरफ रश है, सामने बिल्कुल खाली है, तो उस तरफ चलते हैं। तो आप ये देख रहे हैं सैफुल्ला लेक, ये काफ़ी सिमिलर है माउंटेड लेक की तरह ही है। तो इसके साथ साथ चलते हैं और वो एंड तक देखते हैं कि पानी कहाँ से आ रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं कि वहाँ पे पानी कहाँ से गिर रहा है, और पहाड़ों से आ रहा है या पीछे से दरिया आ रहा है, तो वो देखते हैं अभी। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं, और ये जितने भी लकड़ी के यहाँ पे हट्स बने होते हैं ये खुद ही दरख्त काट के लकड़ी बना के तो वो अपने हाथों से बनाते हैं। तो ये इस लेक के किनारे से होते हुए हम जाएंगे आगे, तो इसका व्यू आपको दिखाते जाएं। तो ये देखिए बहुत इधर सी से ये आओ। ईंटें पड़ी हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे पॉइंट बन रहे हैं यहाँ पे रिहाइश। और ये देखें बड़े छोटे और बड़े कलरफुल ये फूल हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से ये किनारे पे लेक के, तो ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मुझे ये छोटे छोटे से ये फूल वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये देखें वाइट कलर, येलो कलर और पर्पल कलर के हैं। तो हवा बहुत तेज़ है, और ये देखें ये क्या ही व्यू है, ये बहुत ही खूबसूरत ये व्यू है। और
सामने छोटा सा जजीरा। तो आगे तक चलते हैं। ये लेक एंड पे ज़रूर है, लेकिन आजा आजा। बहुत ही सुकून वाली जगह है। तो नहीं आने वाले टाइम में यहाँ भी रश हो जाएगा, होटल ढाबे, जिस तरह पीछे आप देख के आए हैं कि चश्मा शफा पे भी काफ़ी रश है, लेकिन यहाँ पे सुकून है और बहुत ही पुरसुकून जगह है। इधर सो माउंटेन पे भी रश है, वहाँ पे भी ढाबे हैं, होटल हैं, कैंपिंग है, और लोग सयाह ज़्यादातर वहाँ से होके वापस चले जाते हैं जो माउंटेन तक आते हैं। तो ये बहुत ही पुरसुकून जगह है भाई। तो काफ़ी आगे तक आ गए हैं हम, और हवा भी बहुत ही तेज़ है, यहाँ की खूबसूरती भी बहुत है। देखिए सेंटर में ये पहाड़ है, धूप यहाँ पे अभी तक है, तो इधर पहाड़ का साया है, और ये देखिए चारों तरफ पहाड़ है, और ये देखें कितना ही खूबसूरत ये व्यू है। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं ये व्यू और भी बड़ा होता जा रहा है। तो यहाँ की ग्रास का कलर भी देखें, घास का कलर भी और तरह का ग्रीन है, ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ यहाँ का वेदर है, या यहाँ का ये एटमॉस्फेयर है, वो उस वजह से है। तो यहाँ की घास भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो जहाँ से ये पानी गिर रहा है इस झील में, तो वो नज़र आना शुरू हो गया है, और इसके पास तक हम आ गए हैं। आगे दिखाते हैं किस तरह ये गिर रहा है, लेकिन एक लेवल पे ही है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं। ये जी यहाँ पे आ गए, और ये आगे ग्रास में पानी खड़ा है, मैं आगे तक नहीं जा सकता, यहाँ तो सड़क पे घूम के जाऊँ। और ये देखिए जी किस तरह पानी आ रहा है यहाँ पे, तो वो दरिया से पानी गिर रहा है, तो यहाँ पे आके ये खुला हो जाता है और झील बन जाती है। ये इस तरफ की ये ग्रीनरी है, तो ये देखिए पानी वहाँ से आके यहाँ पे झील में गिर जाता है, और झील एक लेवल पे रहती है, तो झील का पानी कम नहीं हो रहा, तो एक लेवल पे है झील। ये देखें जी ये बहुत ही खूबसूरत ये व्यू है, ये साथ ये खुश पहाड़ है, लेकिन ये चॉकलेट कलर के ब्राउन पहाड़ है, और कमाल ही खूबसूरत ये व्यू है। और यहाँ पे आके वैसे ही पैसे पूरे हो जाते हैं बंदे के, क्या ही दरख्तों के दरमियान में पहाड़ पीछे। ये देखें ये यहाँ पे आपको पानी का कलर भी ब्लू कलर का ये पानी है, और ये लहरें सी बन रही हैं क्योंकि हवा बहुत ही तेज़ है, तो कमाल का व्यू है ये सामने। तो ये देखें ये सामने झूले हैं बच्चों के लिए, यहाँ मुझे बाइक्स नज़र आई हैं, तो इसके पास चलते हैं। और बाइक से पीछे आप देख रहे हैं वो वाटरफॉल है, जो ये पहाड़ के अंदर से पानी नीचे गिर रहा है, अभी बड़ा खूबसूरत ये मंज़र है। यहाँ पे बाइकर्स भी आए हुए हैं, बाइक आ जाती है, जहाँ 4x4 चलती है वहाँ पे बाइक्स भी आ जाती हैं। तो ये देखिए ये बाइकर्स आए हुए हैं, और ये लेक सैफुल्ला, और सामने वो जजीरा है, और उधर ही टेंट लगे हुए हैं ज़्यादातर, और ये वाटरफॉल है सामने। पानी गिर रहा है तो पहाड़ों के दरमियान में,
और सामने जजीरा है और बोट इस तरफ आ रही है, तो यहाँ पे भी बोट चलती है, उस तरफ चलते हैं। ज़रा आगे से आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये जी इस तरफ का व्यू है, वो जहाँ पहले मैं आपको लेके गया था उस तरफ का व्यू है। हवा बहुत ही कमाल है, और ये इस तरफ का व्यू है। देख लें कि चारों तरफ अभी बहुत ही पुरसकून जगह है, यहाँ पे रश नहीं है, आने वाले टाइम पे यहाँ पे भी होटल बन जाएंगे। तो दोस्तों ये थी लाहौर टू सवात सीरीज़ की एपिसोड नंबर 12, जो कि लेक सैफुल्ला झील पे बनाई गई और आपको इसकी सैर करवाई गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पाक ट्रैवलर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगली एपिसोड के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।